इसका जो वेट है वो है 908 ग्राम्स जो हमारा टोटल खर्चा है। सो हे गाइस, दिस इज गुरसाहिब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो यार आज की इस वीडियो में चलते हैं वॉलमार्ट और आप लोगों को दिखाते हैं कि भी कनाडा में एक हफ्ते की ग्रोसरी का क्या हिसाब किताब रहता है। तो बेसिकली अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट या फिर एज अ PR या फिर टेम्परेरी रेजिडेंट वर्कर की तरह कनाडा आने की प्लानिंग कर रहे हो या फिर ऑलरेडी कनाडा में हो तो ये वीडियो देखने के बाद आपको पता लग जाएगा कि भाई यहाँ पे कनाडा में एक हफ्ते के राशन का कितना खर्चा आता है और उस हिसाब से आप अपनी प्लानिंग वगैरह कर पाओगे, अपने महीने के खर्चे का हिसाब किताब लगा पाओगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वॉलमार्ट चलते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। हाँ जी, तो यार फाइनली हम पहुंच गए हैं वॉलमार्ट। तो बेसिकली यहाँ वॉलमार्ट के अंदर चलते हैं, ग्रोसरी वगैरह खरीदते हैं, सोडा वगैरह लेते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि भी जब हम एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आते हैं और एक हफ्ते का या दो हफ्ते का सामान लेते हैं तो कितना खर्चा होता है, क्या हिसाब किताब रहता है। तो अंदर चलते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। सो लेट्स गो। तो यार वॉलमार्ट के अंदर आ गए हैं, अब सबसे पहले चलते हैं अपनी इंटरनेशनल आइल के अंदर क्योंकि वहाँ पे अपना सारा देसी सोडा मिलता है। तो यार ये है अपना आशीर्वाद आटा इंडिया वाला 10 किलो का और इसका प्राइस है $15.77। सो इसको उठा के एक बार अपनी कार्ट में ऐड कर देते हैं। ये अपना चने वाली दाल का पैकेट $3.37 का, इसका जो वेट है वो है अप्रॉक्सीमेटली 900 ग्राम्स। तो ये उठा के आ गया अपना। उसके बाद हो गया अपने राजमा, राजमा का भी सेम प्राइस है 900 ग्राम्स के $3.37 का प्राइस। और साथ के साथ सफ़ेद छोले हो गए, वो भी ले लेते हैं, सेम प्राइस 900 ग्राम्स $3.37। तो ये भी उठा लिए। तो ये दोनों चीज़ें जाएंगी अपनी कार्ट के अंदर। अब यहाँ पे यार एक मिक्स बीन्स का एक कैन मिलता है तो इसके अंदर ना अलग अलग तरीके के बीन्स वगैरह होते हैं तो इसको एज अ सैलड खा सकते हैं, मतलब खीरा वगैरह काट के, टमाटर वगैरह काट के, प्याज हो गया, पनीर हो गया, तो ये सारा सौदा काट के इसके अंदर डाल दो, सॉस वगैरह डालो, प्रॉपर अपना सैलड बना लो तो बढ़िया हेल्दी फूड आप खा सकते हो। तो ये चार कैन ले लेते हैं, एक का प्राइस है $1.57। ये अपनी ताजमहल वाली चाय, इसके अंदर है टोटल 100 टी बैग्स तो उसका प्राइस है $4.65। तो अगर आप एक दिन में एक बार चाय पीते हो तो आपका ये 3 महीने चल जाएगा पूरा का पूरा बॉक्स, लेकिन अगर आप 2 बार पीते हो 3 बार पीते हो तो आपका महीना भर चलेगा, ठीक है। तो अपने हिसाब से आप देख सकते हो। तो ये एक ताजमहल वाला डब्बा हम ले लेते हैं और इसको डालते हैं अपनी कार्ट के अंदर। अब यहाँ पे वॉलमार्ट के अंदर इंटरनेशनल आइल के अंदर हर तरीके की ब्रांड अवेलेबल है मसालों की, तो जैसे कि ये टाटा वाले मसालों का डब्बा हो गया, ये हो गया अपने शान वाले मसालों का डब्बा, ये हो गया अपने एवरेस्ट वाले मसालों का डब्बा। तो जो एवरेज प्राइस अगर मैं लगाऊं तो $2 का एक बॉक्स है, तो आप जितने मसाले लोगे उतना प्राइस वगैरह मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो मेरे को यहाँ पे लेना है एक किचन किंग, एक वेजिटेबल मसाला और एक चिकन मसाला, एक राजमा मसाला और एक छोले वाला मसाला, तो 5 चीज़ें लेनी है तो उसका टोटल खर्चा हो जाएगा $10। तो वो लेते हैं और कार्ट में डालते हैं। तो ये हो गए अपने सारे मसाले और इसको डालते हैं अपनी कार्ट में। अब यार यहाँ पे एक जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट मिलती है, तो बेसिकली जैसे अदरक और लहसुन वगैरह आप काटते हो तो उसमें टाइम बड़ा ख़राब होता है, तो आप क्या कर सकते हो, ये $3.97 का ये जार आता है जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट का, कोई शक्ति ब्रांड का आता है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो अपने खाने वगैरह बनाने के लिए, ठीक है। राजमा बनाओ, छोले बनाओ, चिकन बनाओ, जो बनाना है वो बनाओ और इसको डालते अपनी कार्ट के अंदर। तो यार अब ये दो चीज़ें उठाई हैं मैंने, एक है नानक देसी घी का अपना डब्बा और एक मैंने उठाया पंजाबी मैंगो पिकल का जार, तो इसका जो प्राइस है वो है $2.97 और ये जो देसी घी है इसका प्राइस है $14.47। तो इनके बिना तो यार अपना काम चलेगा नहीं क्योंकि अपने परौंठे वगैरह इसके साथ खाएंगे और परौंठे इससे बनेंगे, तो ये दोनों चीज़ें तो बहुत ज़रूरी हैं, तो इनको डालते हैं अपनी कार्ट के अंदर। अब ये हो गया यार अपना पोहा, अब ये अपने ब्रेकफास्ट में खाना होता है, मैं काफ़ी बार खाता हूँ, इसमें मूंगफली वगैरह डाल के बड़ा स्वाद बनता है। तो इसका जो वेट है वो है 908 ग्राम्स और इसका प्राइस है $3.27। एक बार एक बंदे ने मेरे को कमेंट किया था, मैंने एक वीडियो में बताया था कि भी इसका प्राइस है 327, तो उसने सोचा कि भी $327, तो 327 का मतलब होता है $3.27, है ना। तो ये ब्रेकफास्ट में खाएंगे और ये भी जाएगा अपनी कार्ट के अंदर। अब यार ये जो भाई साहब है इनको गुड़ बहुत पसंद है, तो ये कहते हैं मेरे को गुड़ लेना है, तो यहाँ पे जो गुड़ है उसका प्राइस है $3.97 का और ये जो कंपनी है ये है वेयर का, तो ये भी जाएगा अपनी कार्ट के अंदर, इस वाली के अंदर नहीं, उस वाली कार्ट के अंदर, क्योंकि ये व्लॉग बनाने के लिए मैंने एक अलग से कार्ट लिया और उसमें मैं सारा का सारा सौदा डाल रहा हूँ।
बाकी यार यहाँ पे अपने पार्ले जी वाले बिस्किट भी मिलते हैं, इनका प्राइस है $1.28। और बाकी दूसरे भी बिस्किट्स अवेलेबल हैं, मोनाको वगैरह और ये क्रीम्स वगैरह, इनका ही प्राइस ज़्यादा नहीं है, 65 सेंट्स हैं, ये भी 65 सेंट है। और ये जो गुड्डे हैं इनका प्राइस है 97 सेंट्स। और ऊपर नमकीन पड़ी है हर तरीके की, जैसे कि नवरत्न मिक्स, और ये भिन्न भिन्न प्रकार की नमकीन वगैरह पड़ी हैं हल्दीराम की, तो आप ये भी ले सकते हो। अब यार यहाँ पे इंटरनेशनल आइल के अंदर ना बहुत सारी अपनी देसी चीज़ें हैं, हर एक चीज़ मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकता, मैं आप लोगों को मेन मेन चीज़ें दिखा रहा हूँ जिनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी जब आप यहाँ पे अपनी कनाडा में लाइफ स्टार्ट करोगे, ठीक है। और वीडियो के एंड में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि मेरा टोटल खर्चा कितना हुआ है और मैंने क्या क्या चीज़ें खरीदी थी। तो अब आगे देखते हैं क्या हिसाब किताब है। यहाँ पे पीछे आप देख सकते हो यहाँ वॉलमार्ट के अंदर हर तरीके की बियर वगैरह ड्रिंक्स वगैरह अवेलेबल है, डोमेस्टिक इंटरनेशनल हर तरीके का सौदा अवेलेबल है, लेकिन पीनी नहीं चाहिए, बहुत गलत चीज़ होती है। अब यार वेजिटेबल ऑयल के बिना तो कुछ बनेगा नहीं, तो एक कैनी ले लेते हैं वेजिटेबल ऑयल की, इसका जो प्राइस है वो है $7.97। और अगर आप बड़ी नहीं लेना चाहते तो आप क्या कर सकते हो, आप एक छोटी वाली बॉटल ले सकते हो, इसका जो प्राइस है वो है $4.97। तो ये ऑप्शन है आपके पास, और इनको डालते हैं अपनी कार्ट में। अब यार मैं आ गया हूँ ब्रेकफास्ट वाली आइल के अंदर, यहाँ पे आप चाय मिल जाएगी, आपको कॉफ़ी मिल जाएगी, और जो क्रीमर वगैरह होते हैं वो सब मिल जाएगा, और साथ के साथ यहाँ पे कम से कम 50 तरीके के सीरियल वगैरह होते हैं जो कॉर्नफ्लेक्स वगैरह होते हैं, तो वो लेने हैं। तो मैं लूँगा ये वाले कॉर्नफ्लेक्स, थोड़ा सस्ता सस्ता होता है, इसका प्राइस है $2.97, और ये है अप्रॉक्सीमेटली 680 ग्राम्स का डब्बा, तो ये ले लेते हैं। होने यार नून तो बिना तो कोई सब्जी बनूगी नहीं, ठीक है, तो आप एक नून का डब्बा भी ला लेंगे, ये प्राइस है $1.27, तो ये भी आप पा देंगे अपनी कार्ड के अंदर। अब आगे हम डेयरी के अंदर, यहाँ से हमने दूध लेना है, मक्खन लेना है और अंडे लेने हैं, और उसके बाद चलेंगे बेकरी में जहाँ से हमने ब्रेड लेनी है, तो चलते हैं। अब यार यहाँ पे पनीर का जो प्राइस है वो होता है $4.67, लेकिन ये सारा का सारा बिक चुका है, ये होता है नानक पनीर, तो इतना पॉपुलर है कि सारा का सारा आउट ऑफ स्टॉक हो गया। अब यार दूध के बारे में मैं आप सब लोगों को एक बहुत ज़रूरी चीज़ बताना चाहता हूँ कि इसके ऊपर ना एक एक्सपायरी डेट लिखी होती है, जैसे इसके ऊपर लिखी है May 6, तो वो हमेशा चेक कर लेना दूध वगैरह लेने से पहले, अगर ख़राब दूध पी लिया तो हेल्थ ख़राब हो जाएगी, और हेल्थ ख़राब होगी तो यहाँ पे भैया मेडिकल का बहुत महंगा सौदा है। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे दूध वगैरह डालने के लिए आप ये पिक्चर यूज़ करते हो, इसके अंदर दूध की थैली डालो और उसके बाद इससे पोर करो, ठीक है, तो ये हिसाब किताब होता है। अब यार जब आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आओगे तो रोज़ रोज़ तो आप सब्जी बनाओगे नहीं, तो अगर आप 3 दिन के लिए इकट्ठी सब्जी बनाते हो और अपने फ्रिज वगैरह में रखते हो किसी कटोरी वगैरह में, तो उस केस में आप ऐसा प्लास्टिक रैप वगैरह यूज़ कर सकते हो, उससे आप ढक सकते हो। इसका जो प्राइस है, जो एक रोल है इसका प्राइस है $2, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, और इसको भी डालते हैं अपनी शॉपिंग के लिस्ट के अंदर। अब यार मैं आ गया हूँ प्रोड्यूस डिपार्टमेंट के अंदर, अब यहाँ पे फ्रूट लेंगे और सब्जियाँ वगैरह लेंगे, अब वो तो एक एक चीज़ आपको दिखाऊंगा नहीं, लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बहुत ही ज़रूरी टिप देना चाहता हूँ कि जब भी आप प्रोड्यूस डिपार्टमेंट में टमाटर खरीदोगे, प्याज खरीदोगे या फिर खीरे वगैरह खरीदोगे, तो उस केस में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो ये नीचे वाली ट्रे होती है ना, यहाँ पे थोड़ा सा पुराना सामान होता है, और जो ऊपर वाली जो ट्रे होती है उसमें थोड़ा सा फ्रेश सामान होता है, क्योंकि जो एसोसिएट्स वगैरह होते हैं ना वो क्या करते हैं, जब इसको शफल वगैरह करते हैं, क्लीन वगैरह करते हैं, तो जो पुरानी चीज़ें होती हैं उसको आगे कर देते हैं ताकि जल्दी बिक जाए, और जो नई चीज़ें हैं उनको ऊपर कर देते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और अगर आपको ऊपर भी बेकार चीज़ें दिखती हैं कि भाई बढ़िया सामान मिल ही नहीं रहा, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप नीचे जा सकते हो, नीचे आपको थोड़ा और फ्रेश सौदा मिल जाएगा, तो ये हिसाब किताब होता है, तो इसका ध्यान रखना। और अब हम सामान वगैरह खरीद लेते हैं। अब यार सारी शॉपिंग वगैरह हो गई है, सारा हमने सामान ले लिया बेसिक, और अब जाके चेकआउट करते हैं और देखते हैं कितना अपना बिल बना है, कितना खर्चा होगा एक हफ्ते की अप्रॉक्सीमेटली ग्रोसरी का। Touch the item to purchase. Move your Roma tomatoes to the bag. 3, 2. बेसिकली यार सारा सौदा हो गया है, तो बेसिकली यहाँ वॉलमार्ट के अंदर दो तरीके के ऑप्शन होते हैं, या तो आप सेल्फ चेकआउट कर सकते हो या फिर आप चेकआउट वाली लाइन में जा सकते हो। सेल्फ चेकआउट में ये होता है कि आप खुद से सारे स्कैन करोगे और डालोगे और कार्ड से पे कर दोगे। चेकआउट वाली लाइन में क्या होता है कि आप वहाँ पे एक बंदा होगा, वो प्रॉपर आपकी चेकआउट वगैरह करेगा, ठीक है, तो हिसाब किताब होता है। अब देखते हैं कितना बिल बना है।
हाँ जी, तो यार शॉपिंग वगैरह होगी, हमने सामान वगैरह ले लिया है, ऑलमोस्ट 2 हफ्ते का हमने सौदा ले लिया है। तो इसमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि 1-1.5 हफ्ता चलेंगी और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि 2 हफ्ते तक चल जाएंगी, इनफैक्ट 1 महीने भी चल जाएंगी। तो जो हमारा टोटल खर्चा है वो रिसीट में लिखा था मैंने, रिसीट में था। तो जो हमारा टोटल खर्चा है, तो टोटल जो हमारा खर्चा हुआ है वो है $133 का। तो आपको यहाँ से आइडिया हो गया होगा कि अगर ये सारी चीज़ें आप लेते हो, ये सारा सामान लेते हो, तो आपका $133 के आसपास का खर्चा हो जाएगा। और कोविड से पहले यही सारे सामान का खर्चा अप्रॉक्सीमेटली $100 का होता था। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं यूज़फुल लगेगी, और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि यार बहुत मेहनत लगती है, मैं बहुत थक गया वीडियो बनाते हुए। और बाकी अगली वीडियो में मिलेंगे, जब तक वीडियो नहीं आती अगली, स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।